गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन अराउंड माउथ। माउथ के एरिया जो आपकी डार्कनेस हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है सी, एंड आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, आप अपने घर की चीज़ों को ही यूज़ करके, आप अपने DIY से ही आप इस पिगमेंटेशन को बहुत ही हद तक रिड्यूस कर सकते हो, लाइटन अप कर सकते हो। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते रहो इस DIY को, तो आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा एंड आपको बहुत ही अच्छी इसकी बेनिफिट देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी इसकी रिजल्ट देखने को मिलेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी इन्ग्रीडियंट्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो सकता है, आपके किचन में मिल सकता है एंड आप इसको यूज़ करके आप अपनी पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस कर सकते हो एंड स्पेशली आपके माउथ के एरिया जो डार्कनेस हो जाती है, आप इसको बहुत ही हद तक कम कर सकते हो अगर आप इसको यूज़ करते रहो तो। हमेशा के लिए आपकी डार्कनेस पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एंड इसको आप अगर अप्लाई करो तो आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं जो भी रेमेडी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये एंड 100% इफेक्टिव है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो कर देना लाइक एंड आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला रीज़न जो होता है पिगमेंटेशन होने का माउथ के एरिया, वो होता है ये कि हम जब भी अपने फेस को वॉश करते हैं, स्क्रब करते हैं, तो हम अपना फोकस ज़्यादा फेस पे देते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्सफोलिएट हम नहीं करते हैं। फेस वॉश करते टाइम भी हम यहाँ पे उतनी ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं, ज़्यादा फोकस हम अपने फेस की चीक पे देते हैं एंड इधर उधर देते हैं बट यहाँ पे उतना नहीं देते। इसी की वजह से पिगमेंटेशन होने लगती है, डार्कनेस आने लगती है माउथ के साइड में। वॉश करने के बाद भी अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेने के बाद अगर हम खाना वगैरह कुछ भी खाते हैं तो हम अपनी माउथ को वॉश कर लेते हैं, तो वॉश करने के बाद जो हमारे मॉइस्चराइज़र अप्लाई होता है यहाँ पे वो हट जाता है। तो वॉश करने के बाद अगर वो हट जाती है तो हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं रहता है एंड हम हमेशा अपने माउथ के एरिया कुछ ना कुछ हाथ वगैरह लगाते रहते हैं, कुछ खाते हैं तो हम हैंकी से पोंछ लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं रहता है, तो उसकी वजह से हमारे माउथ के एरिया डार्कनेस आने लगता है, पिगमेंटेशन होने लगती है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। आज जो मैं आप लोगों के साथ DIY यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एंड बहुत ही अच्छी रिजल्ट इसका मुझे भी मिला है एंड मैं भी अपनी माउथ के एरिया, मेरे भी बहुत सारे डार्कनेस थे जो कि मैं इस DIY यूज़ करके ही अपने माउथ के एरिया को लाइटन अप की हूँ, अपनी पिगमेंटेशन को बहुत ही हद तक रिड्यूस की हूँ एंड मैं हफ्ते में इसको 2 बार तो अप्लाई कर ही लेती हूँ। तो आप लोग वीक में 2 बार अगर अप्लाई करोगे तो इसकी बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी एंड ये सिर्फ आपके माउथ के साइड की पिगमेंटेशन को ही रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि अगर आप इसको फेस पे भी लगाओगे तो आपके फेस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं कि इस फेस पैक को बनाते कैसे। तो सबसे पहले लेंगे हम एक बॉल में 2 चम्मच लगभग कर्ड एंड उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। मैं इसमें टर्मरिक भी ऐड करके पहले से ही रख ली थी, जब मैं ऑरेंज पील पाउडर बना रही थी तो मैं उसमें टर्मरिक भी ऐड कर दी एंड उसको एक डब्बा में करके रख दी। आप इसको रख के डेली भी अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद मैं लूँगी 1/2 चम्मच लगभग नीम का पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 4 ड्रॉप लेमन का जूस, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 4 बूंद ही लेमन इसमें ऐड करना है। देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसको आपको ऐसा कंसिस्टेंसी बनाना है जो ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा मोटा, आपको एक थिन कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना के कर लेना है तैयार। तो गाइस जैसे कि मैं इसमें ऐड की हूँ दही, नींबू, हल्दी, ऑरेंज पील पाउडर एंड नीम का पाउडर, ये सारी चीज़ें हमारे माउथ के एरिया जो डार्कनेस पिगमेंटेशन हो जाता है इन सबको बहुत ही हद तक रिड्यूस कर देगा एंड आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये फेस के ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन एंड एक्नी स्कार्स को भी रिड्यूस करेगा एंड साथ में आपके एक्नी से भी ये फाइट करेगा क्योंकि इसमें मैं नीम ऐड की हूँ एंड ऑरेंज पील पाउडर ऐड की हूँ, टर्मरिक ऐड की हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्नी से भी फाइट करता है। तो फेस पैक लगाने से
पहले आप अपनी स्किन को पहले क्लीन कर ले, फिर कोई भी फेस वॉश से क्लीन कर ले, नहीं तो ऐसे नॉर्मल वाटर से भी आप फेस को धो सकते हो, क्योंकि जितने भी गंदा होता है स्किन पे लगा हुआ डर्ट्स होते हैं वो अगर आप हट जाएगा उसके बाद अगर आप फेस पैक अगर अप्लाई करोगे तो उसकी और भी ज़्यादा अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी, और भी ज़्यादा इसका वर्क करेगा, फ़ायदा होगा। तो चलिए हम फेस पैक को लगाते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेना है सी, एंड इसको अप्लाई करने से पहले मैं अपने माउथ साइड एरिया को क्लीन कर ली एंड फिर अप्लाई कर रही हूँ। ऑरेंज पील विटामिन सी होती है तो ये हमारे स्किन को एक ब्राइटनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो आप माउथ के साइड लगाने के साथ साथ अगर आप चाहो तो इसको पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये पूरे फेस पे भी आपको अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके एक्नी के साथ आपके एक्नी स्कार्स को रिड्यूस करेगा, साथ में पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा। तो गाइज इस तरह से हम लगा के इसको 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 15 to 20 मिनट्स के लिए भी आप इसको छोड़ सकते हो। 15 मिनट्स हो जाने के बाद ये ड्राई हो जाएगा, एंड ड्राई होने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी एक्सफोलिएट करते हुए अपने फिंगर से 2 मिनट के लिए इस तरह से एक्सफोलिएट करना है, जिससे कि यहाँ के जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो रिड्यूस हो सके एंड यहाँ डर्ट्स जो होते हैं वो हट सके। तो गाइस इसमें जैसे कि नीम है, हल्दी है, एंड ऑरेंज पील पाउडर है, टर्मरिक है, लेमन है। तो लेमन हमारे डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो 2 मिनट तक इस तरह से आप एक्सफोलिएट करें एंड उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो। मैं इसको वॉश करके मिलती हूँ। तो गाइस मैंने वॉश करके आ गई एंड आप तक देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लाइटन अप हुआ है, एंड जब आप इसको रेगुलरली अप्लाई करते रहोगे तो आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगी, आपको इसका बहुत ही अच्छी बेनिफिट देखने को मिलेगी, आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा एंड आपको बहुत ही अच्छी इस फेस पैक से रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे एक वॉश से ही कितने ज़्यादा लाइटन अप हो गया है एंड बहुत ही अच्छा है ये फेस पैक। जैसे कि इसमें मैं 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड की थी, तो अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप लेमन की जगह रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। रोज़ वाटर भी हमारे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जैसे कि मैं एक्सफोलिएट करते हुए वॉश की, तो आप इसको एक्सफोलिएट कर लेने के बाद, वॉश कर लेने के बाद आप कोई टोनर या नहीं तो फिर मॉइस्चराइज़र अपने माउथ के एरिया साइड में लगा लो, क्योंकि एक्सफोलिएट होने के बाद आप मॉइस्चराइज़र टोनिंग कर लोगे तो आपको और भी ज़्यादा इसकी रिजल्ट मिलेगी अच्छी। तो मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के लिए ले रही हूँ डीटर्मा को का विटामिन ई फेस मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है स्किन को एंड बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग भी देता है। जिसका भी स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो उसके लिए ये विंटर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मॉइस्चराइज़र रहेगी। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये मेरे स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज एंड सॉफ्टनेस बना के रखता है। इसमें विटामिन ई है तो हमारे स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। मैं इस मॉइस्चराइज़र पे भी वीडियो बना रखी हूँ, अगर आप लोग इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कर देना एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अभी तक आपके माउथ के एरिया को, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं किए हो तो इस फेस पैक को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो एंड 2 मंथ के लिए आप कंटिन्यू इसको लगाते रहो, एंड उसके बाद आपको खुद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा।